आपके अपने YouTube चैनल रोजगार एंड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। रोजगार एंड लाइफस्टाइल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यापम में जो नौकरी निकली है अभी ग्रुप टू उप समूह थ्री के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मत्स्य निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यापम में आइए समूह तो उप समूह तीन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में कार्यालयों में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मत्स्य निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। अब मैं इसकी आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरना जो इसके 27 फरवरी 2018 से शुरू हो चुके हैं, भरने की अंतिम तिथि 13/3/2018 है। संशोधन आवेदन पत्र में संशोधन करना अगर है तो 27/2/2018 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 18/3/2018 है। परीक्षा दिनांक कितनी है? 27 एवं 28/3/2018 तक इसके एग्जाम होंगे। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 एंड पोर्टल चार्ज अलग से है। एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जनों के लिए ₹250 फीस है एंड पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा। अब हम आपको बताएं वैकेंसी है कितनी है, इसमें आयु सीमा क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। हम आपको पद बता देते हैं, पद कितने हैं इसमें। जैसा कि आपको हम पद बता रहे हैं, पद आप देख पा रहे हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के जनरल में 95 हैं, अनुसूचित जाति के 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के 23 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद। तो कुल 143 पद हैं जो कार्यपालिक हैं। मत्स्य निरीक्षक में 44 जनरल वालों के लिए हैं, 6 अनुसूचित जाति के लिए, 15 अनुसूचित जनजाति के लिए, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये भी कार्यपालिक पद हैं। और एनालिस्ट लैब असिस्टेंट के लिए एक पद जनरल के लिए, बाकी ये खाली हैं, अनुसूचित जाति के लिए खाली हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं है एंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है। जनरल वालों के लिए एक पद है जो आकार पाने। कुल योग 140 पद हैं जनरल वालों के, 19 अनुसूचित जनजाति के, 19 अनुसूचित जाति के, 38 अनुसूचित जनजाति के, 22 अन्य पिछड़ा वर्ग के, कुल 219 पद। अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये अलग अलग दिए हुए हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कुल 143 पद। इसमें आपको मैं बता दूं, अनारक्षित के 55, महिलाओं के लिए 24, ओपन 11, महिला 5, कुल योग 95। इसमें निःशक्त जनों की कुल 10 रिक्तियों में से 10 पद अस्थि बाधित निःशक्त जन के लिए अनारक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। ये बात तृतीय श्रेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित। और मत्स्य निरीक्षक के कुल 55 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 31 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7। इसमें जो योग्यता मांगी है
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि। ठीक है दोस्तों, एंड एनालिस्ट लैब असिस्टेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगी है बीएससी केमिस्ट्री या बॉटनी विषय सहित। एंड फर्स्ट वाले का मैं आपको बता नहीं पाया था। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि जिसमें भौतिकी एवं विषय हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियर में स्नातक भी तथा हिंदी बोलने पढ़ने और लिखने में समर्थ हो। और अब मैं आपको बताऊं आयु सीमा। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस जो नॉर्मली सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, कुल 100 अंक का है। एंड संबंधित विषय जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पोस्ट कोड 1 में हम जब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसमें पोस्ट कोड 1 एंड पोस्ट कोड 2 एंड 3 जैसे 3 वैकेंसी हैं। हम जिसमें भी फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 100 अंक में से आएंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कुल 100 अंक का आएगा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। एंड आयु सीमा हम आपको बता देते हैं। आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा आता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्गों के लिए। एंड होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों को महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी भी फॉर्म भरने के लिए अंतिम डेट का इंतजार ना करें। आप जल्द से जल्द, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए अपना आधार कार्ड, 10-12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर अवश्य लेके जाएं। एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अवश्य लेके जाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दें एंड घंटी को भी दबा दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।